वेलकम बैक टू माई चैनल। फर्स्टली विशिंग यू ऑल अ मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई एम हेयर विद अनदर वीडियो विद अ ब्लिंगी क्रिसमस लुक। तो ये लुक होने वाला है बहुत ही ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड येट सिंपल एंड क्विक। आप इस लुक को विद इन 15 मिनट्स कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो काफ़ी क्रिसमस टच मैंने इस लुक को दिया है, ग्रीन रेड कलर, और यहाँ पर मैंने लास्ट में सेंटा की जो वो कैप थी, एक लुक को क्रिसमस और क्रिसमस का थीम डालने के लिए मैंने इस कैप को भी वेयर किया था, सो दैट ये अच्छा सा लुक लगे क्रिसमस का। तो आइए देख लेते हैं मैंने लुक कैसे क्रिएट किया है और वो भी इतनी जल्दी। तो आइए बने रहिए मेरी वीडियो में, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस पे टोनर लगा रही हूँ, ग्रीन टी टोनर है। मैंने रिसेंटली पर्पल होल में आप लोगों से शेयर किया था, और अपनी स्किन केयर ज़रूर कीजिए गाइस, वो कभी भी स्किप मत कीजिए। आप मेकअप करें, हैवी मेकअप करें या लाइट करें, आप स्किन केयर कभी भी स्किप मत कीजिए। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है, आई के एरिया जो आसपास एरिया है जो डार्कनेस है उसको मैं थोड़ा सा कवर कर रही हूँ इस कंसीलर की हेल्प से, क्योंकि मैं यहाँ कोई फाउंडेशन आज यूज़ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ बीबी क्रीम की हेल्प से ये जो है लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो बीबी क्रीम ज़्यादा अच्छी कवरेज जो है हमें फेस आईज़ के आसपास नहीं देता है, तो इसलिए मैंने आईज़ के आसपास जो है कंसीलर यूज़ किया है। उसके बाद मैं मेबलिन कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसको सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं पूरे फेस पे एवोकाडो क्रीम जेल जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने पर्पल होल में रिसेंटली शेयर किया था। तो आजकल मैं इसको काफ़ी यूज़ कर रही हूँ सो दैट मैं इसका अच्छा रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और आजकल मैं मोस्टली वीडियो में यही यूज़ कर रही हूँ, यही उसका रीज़न है, और क्योंकि मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने थे। तो उसके बाद हम फेस पे लगा लेंगे पॉन्ड्स बीबी क्रीम, पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर लूँगी, और इसकी शेड है ओरिजिनल। और पॉन्ड्स बीबी क्रीम जो है वो नॉर्मल टू मीडियम कवरेज आप कह सकते हैं देती हैं, हाई कवरेज तो ऑब्वियसली क्रीम है नहीं देगी, बट ठीक ठाक कवरेज दे देती है। अगर उसके बाद आप कंसीलर यूज़ कर लेते हैं तो आप एक अच्छा बेस मेकअप क्रिएट कर सकते हैं पॉन्ड्स बीबी क्रीम से। उसके बाद इसको ऑल ओवर द फेस और नेक एरिया पे भी मैं अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं ब्राउज़ फिल इन करूँगी। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा मैं ब्राउज़ बहुत ज़्यादा हैवी फिल इन नहीं करती हूँ, एक्सेप्ट फॉर द एक्सेस हैवी लुक। और मैं आई लैशेज भी पहनना प्रेफर कम ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है आई लैशेज से, फॉल्स आई लैशेज से लुक नो डाउट अच्छा आता है, बट एक नॉर्मल रूटीन में अगर हम देखा जाए तो आई लैशेज हर बार नहीं लगा सकते हैं आईज़ पे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा आई लुक क्रिएट करूँ जिसमें विदाउट आई लैशेज ही हमारी आईज़ जो हैं वो अच्छी पॉपअप हों, अच्छी लगें। उसके बाद वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ पैलेट है ये, उससे मैंने ब्राउज़ को लाइट सा नॉर्मल सा फिल इन कर लिया है अपनी शेप के अकॉर्डिंग। स्टे कोकी का आईलाइनर मैंने लिया है। अब मैं यहाँ पे एक लॉन्ग विंग आईलाइनर और थिक विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी। सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ आप पतला आईलाइनर ड्रॉ करो, उसके बाद उसको थिक करो। एकदम से ज़्यादा मोटा आईलाइनर अगर हमने ड्रॉ किया तो उसको रब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं मिडल से स्टार्ट करती हूँ और फिर अपना विंग बनाती हूँ और फिर इनर कॉर्नर ऑफ द आई से उसको ज्वाइन कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली आईलाइनर लगाते टाइम ना ये थोड़ा ध्यान नहीं रहता है कि मिरर हाथ में, और वो मिरर स्क्रीन के आगे आ गया है। मैं यहाँ बार बार इसीलिए स्क्रीन में देख रही थी कि आप लोगों को पता नहीं दिख भी रहा होगा या नहीं, तो मैं यहाँ वही करने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको इनर कॉर्नर से ज्वाइन कर लिया है। ब्लैक आईलाइनर मैंने लगाया है स्टे कोकी का, वाटरप्रूफ, नॉन स्मज प्रूफ, बहुत ही अच्छा, सॉरी स्मज प्रूफ, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है ये, बहुत अच्छी कलर पिगमेंटेशन भी देता है और बहुत ही सुपर अफोर्डेबल। अलग से इसका रिव्यू भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेकंड आई में भी मैंने अप्लाई कर लिया है, और मैं यहाँ देख रही थी कि विंग दोनों साइड इक्वल है या नहीं। तो देखिए हम लोग जो होते हैं ना यूट्यूबर्स भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते हैं चीज़ों में, हम लोगों को भी देखना पड़ता है, कई बार पतला या मोटा लग जाता है तो उसको अकॉर्डिंगली ठीक करना पड़ता है। तो आप लोग भी ऐसे ही मत समझिए कि हम लोग भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एन एन नाओ पता नहीं एम एन नाओ करके कोई लोकल सी ब्रांड थी, मैंने मार्केट में ये देखा था, बट मुझे इसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लगा तो मैंने इस आईलाइनर को ले लिया।
और मैंने इसमें थोड़ा सा क्रिसमस का लुक देने की कोशिश की है, इसलिए मैंने एक ग्रीन आईलाइनर जहाँ पे मेरा ब्लैक आईलाइनर ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर मैंने लगाया है, जहाँ पे इसका बॉर्डर ख़त्म हो रहा है एग्जैक्ट उसके ऊपर, मतलब ओवरकोट नहीं किया है ब्लैक आईलाइनर को, जहाँ उसकी बाउंड्री ख़त्म हुई है उसके अबव मैंने लगाया है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही ना डिफरेंट सा लुक लगेगा इससे, इसके बाद आपको आई शेडो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऑब्वियसली एक क्विक मेकअप लुक है तो इसमें ज़्यादा आई शेडो, मतलब आई शेडो मैंने यूज़ नहीं किया ऑब्वियसली, आई शेडो में तो ब्लेंडिंग में बहुत टाइम लग जाता है और अगर हम अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो आई शेडो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। उसके बाद मैं आई लाइनर को थोड़ा सा ड्राई होने दे रही थी, थोड़ा वेट कर रही थी, उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर जो मैंने पहले लिया था उससे मैं कंसील कर रही हूँ। और जो भी हमारे हाइलाइटेड एरियाज़ होते हैं फेस के, हाई एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे हम कंसीलर से हाइलाइटिंग करते हैं, सो दैट जब हमारे फेस पे लाइट पड़े तो एक बहुत ही अच्छा ड्यूई लुक आए। और उन्हीं स्पेसिफिक एरिया पे आप फिर ब्लेंड कर लीजिए। पूना स्टोर का ब्रश है ये, अमेज़न से मैंने लिया था, लिंक मैं आपको सब प्रोडक्ट्स के नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अगर आप देखना चाहें तो सारी डिटेल्स भी आपको नीचे मिल जाएगी कमेंट बॉक्स, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद मैं यहाँ फिट मी ब्लश ले रही हूँ और इसकी शेड भी मैं नीचे आपको मेंशन कर दूँगी। बहुत ही अच्छा शिमरी इसमें पार्टिकल है, बिल्कुल चंकी नहीं है, बहुत अच्छा ब्लश है। थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा अप्लाई करूँगी क्योंकि विंटर है और थोड़ा सा पिंकी सा ग्लो ना फेस पे काफ़ी अच्छा लगता है, नेचुरल सा मैं इसमें दो ग्लो दे रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा ब्लश है, मतलब परफेक्ट ब्लश है ये इंडियन स्किन के लिए ना, बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल भी है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा मेरा फेवरेट मस्कारा है ये, पता नहीं मेरे को कोई और मस्कारा यूज़ करने का मन नहीं करता है क्योंकि ये मस्कारा मुझे इतना अच्छा लुक देता है, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी आई लैशेज पसंद नहीं है। उसके बाद मेकअप रिवोल्यूशन का प्रो इल्यूमिनेट हाईलाइटर, या मैं फैन ब्रश यूज़ नहीं करी क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक से एरियाज़ पे हाईलाइटिंग चाहिए, जो मेरे को एक ऐसा अच्छा सा ड्यूई सा लुक चाहिए होता है तो मैं फैन ब्रश यूज़ करती हूँ। और मुझे जो स्पेसिफिक हाईलाइटेड ड्यूई लुक चाहिए होता है, यानी स्पेसिफिक एरियाज़ पे हमारे हाईलाइटिंग जो एरियाज़ होते हैं फेस के, हाई एरियाज़, तो मैं इस तरह का ब्रश यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हाईलाइटर मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि थोड़ी देर बाद अदर एनी हाउ ये नॉर्मल हो ही जाना है, और क्योंकि ये नाइट लुक है तो इसलिए हाईलाइटर आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे ना तो बुरा नहीं लगेगा। ऑल दो मैं इसको डे में क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बट ये GRWM नहीं है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, नाइट लुक है। रूबी वू फ्रॉम मैक इज़ द परफेक्ट रेड लिपस्टिक, मतलब एक तो रेड लिपस्टिक जो कि मेरा प्यार है और ऊपर से रूबी वू, क्या मतलब, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस लिपस्टिक, फॉर दिस कलर, आई लव रेड एंड रूबी वू इज़ अ परफेक्ट रेड कलर। उसके बाद कैमलिन का जो ये था एक लिक्विड लिपस्टिक थी, उसकी जो मैंने नॉर्मल जो शाइनी ट्रांसपेरेंट साइड थी उसको मैंने लिप्स पे अप्लाई कर लिया क्योंकि मुझे एक ब्लिंगी सा लुक चाहिए, मैट लुक मुझे नहीं चाहिए था, सो दैट मेरी लिपस्टिक मैट ना लगे। ये रूबी वो मैट है तो मुझे शाइनी बनाना था इसको, इसलिए मैंने वो लगाया। और उसके बाद लॉरेल मैजिक काजल मैंने हल्का सा अप्लाई किया, मेरी आईज थोड़ी फीकी फीकी सी लाइट सी लग रही थी। उसके बाद जो है इस लुक का मेन पार्ट आता है ग्लैम 21 आई शेडो पैलेट है, उसमें से मैंने एक ग्रीनिश सा कलर जो मेरे आईलाइनर से मैच कर रहा है वो एक्समजर ब्रश में ले लिया है और मैं इसको लोअर जो मेरी लैश लाइन एरिया है वहाँ पे अप्लाई करूँगी, बॉर्डर लाइन में नहीं लोअर लैश लाइन एरिया में अप्लाई करूँगी और साथ में स्मज भी कर दूँगी एक स्मजर ब्रश की हेल्प से। एंड अगर आपका स्मजर ब्रश नहीं है तो आप क्यू टेप यानी ईयरबड से भी ये काम कर सकते हैं। और इस ग्रीन कलर को अप्लाई करने के बाद ना थोड़ा क्रिसमस का क्यूटी सा लुक आता है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया क्योंकि मुझे ऊपर जो ग्रीन कलर था उसके साथ नीचे थोड़ा मैचिंग सा भी चाहिए था। तो मेरा ये लुक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर डांस कर रही थी क्योंकि मैं म्यूज़िक चल रहा था। उसके बाद मैंने ग्रीन ईयरिंग्स पहने हैं और सिंपल मैंने हुप्स पहने हैं, स्मॉल हुप्स हैं, और मैं बालों को तो बिल्कुल ही सिंपल रखने वाली हूँ, थोड़ा सा पफ करूँगी जस्ट, और इस तरीके से मैं बालों को पीछे ले जाऊंगी और उनको से थोड़ा सा ट्विस्ट करके ना इस तरीके से आगे की तरफ पुश कर दूंगी जिससे कि एक पफ बन जाए। और यहाँ पे मैं इनको पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी, इजी 1 मिनट में ये हेयर स्टाइल हो जाता है। और अगर इस साइड से या उस साइड से कहीं से भी आपको अगर लगे कि पफ की हाइट कम है तो आप हाइट टक करने के बाद भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं, आप देख सकते हैं मैं इसको बढ़ा दिया है।
और या दैट्स इट, मेरा ये लुक कंप्लीट हो गया है। और अगर मैं मेरी टॉप के बारे में बात करूँ तो ये मेरी टॉप है शीइन की, और बिल्कुल प्लेन है ये, और बट इसकी स्लीव्स में आप देख सकते हैं इस तरह से बटन है, और आगे से नैरो स्लीव्स हैं और पीछे से थोड़ी बलून वाली स्लीव्स हैं। शीन हॉल भी आने वाला है, आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और मेरा लुक बिल्कुल रेडी है। और आपको मेरा ये लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। और अगर आपको मेरा ये लुक थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना गाइस, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्योंकि आपके लाइक से ना बहुत ही मोटिवेशन मिलता है काम करने का, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेट किस चीज़ की कर रहे हैं, आप जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लुक लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।